तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का आर्या रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी आर्या रिजल्ट 2020। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया है आर्या रिजल्ट के बारे में बात करने के लिए, इसके लिए मैं वीडियो फिर से लेके आया आर्या रिजल्ट के बारे में। तो इस वीडियो में बात करेंगे ओनली आर्या रिजल्ट के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फाइव सेमेस्टर का रिजल्ट है आर्या का। तो इसका रिजल्ट देखना चाहते हो दोस्तों आसानी से देख सकते हैं, इसके लिए फर्स्ट से लास्ट तक मेरे वीडियो देखना है तो आपको पता चल जाएगा आप लोग कैसे आर्या का रिजल्ट देख सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी आर्या रिजल्ट 2020, ठीक है दोस्तों। इसके लिए थोड़ा सा नीचे आना है आप लोगों को, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन करे दोस्तों गुवाहाटी यूनिवर्सिटी आर्या रिजल्ट 2020 डिटेल्स। तो यहाँ पे डिटेल्स भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं, इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे। थोड़ा सा नीचे आना है, आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंशन करे दोस्तों बी ए फर्स्ट सेमेस्टर आर्या रिजल्ट 2020। इसके बाद थोड़ा नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बी ए फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट 2014। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपडेट लेटर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बी ए फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट 2015, यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों अपडेट लेटर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे अपना रिजल्ट का जो ईयर्स होता है ईयर्स देख सकते हैं 16, इसके बाद यहाँ पे 17, यहाँ पे भी 17। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों अपडेट लेटर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इसका जो रिजल्ट होता है जल्दी से जल्दी आने वाला है दोस्तों। इसका रिजल्ट जब आ जाएंगे सबसे पहले वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। जब इसका रिजल्ट अपडेट किया जाएगा सबसे पहले वीडियो अपलोड करेंगे और वीडियो देखने के बाद आपको जानकारी मिल जाए, अपना रिजल्ट भी देख सके। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते दोस्तों यहाँ पे मेंशन करे दोस्तों बी कॉम फर्स्ट सेमेस्टर आर्या रिजल्ट 2020। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बी कॉम फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट 2014, यहाँ पे भी देख सकते दोस्तों और अपडेट लेटर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 15, यहाँ पे 16, यहाँ पे 17, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों अपडेट लेटर, इसका रिजल्ट भी जल्दी से जल्दी आने वाला है दोस्तों। इसका रिजल्ट जब आ जाएंगे सबसे पहले वीडियो अपलोड करेंगे और वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन करे दोस्तों बी एस सी फर्स्ट सेमेस्टर आर्या रिजल्ट 2020। इसके बाद थोड़ा नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बी एस सी फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट 2014। इसके बाद यहाँ पे देख सकते दोस्तों अपडेट लेटर, इसके बाद थोड़ा सा नीचे यहाँ पे भी देख सकते दोस्तों बी एस सी फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट 2015। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपडेट लेटर दोस्तों, यहाँ पे 16, यहाँ पे 17, यहाँ पे 17, फिर से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 18। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपडेट लेटर दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। इसका जो रिजल्ट होता है दोस्तों जल्दी से जल्दी आने वाला है, जब इसका रिजल्ट मिल जाएगा फिर से वीडियो अपलोड करेंगे। वीडियो पाने के लिए सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं बी ए थर्ड सेमेस्टर आर्या रिजल्ट 2020 यहाँ पे मेंशन करे दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते बी ए फोर्थ सेमेस्टर रिजल्ट 2014, यहाँ पे भी देख सकते दोस्तों बी ए फोर्थ सेमेस्टर रिजल्ट 2015। तो यहाँ पे देख सकते हैं 16, यहाँ पे देख सकते हैं 18। तो इसका रिजल्ट भी सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, इसका रिजल्ट भी जल्दी से जल्दी आने वाला है दोस्तों। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों बी कॉम, तो यहाँ पे देख सकते हैं बी कॉम थर्ड सेमेस्टर आर्या रिजल्ट 2020। तो इसका जो रिजल्ट होता है दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों बी कॉम थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट 2014, 2015, 2016। इसके बाद इसका जो रिजल्ट होता है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट लेटर, इसका रिजल्ट भी जल्दी से जल्दी आने वाला है दोस्तों। इसका रिजल्ट पाने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जब वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बी एस सी थर्ड सेमेस्टर आर्या रिजल्ट 2020 यहाँ पे मेंशन करे दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं बी एस सी थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट 2014, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बी एस सी थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट 2015, 16, 18। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो रिजल्ट होता है दोस्तों अपडेट लेटर हो रहे हैं दोस्तों, तो इसका रिजल्ट भी जल्दी से जल्दी आने वाला है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बी ए फाइव सेमेस्टर आर्या रिजल्ट 2020 यहाँ पे मेंशन करे दोस्तों। तो यहाँ पे बी ए फाइव सेमेस्टर रिजल्ट 2014 यहाँ पे देख सकते हैं बी ए फाइव सेमेस्टर रिजल्ट 2015। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों जो इसका रिजल्ट होता है दोस्तों, इसका रिजल्ट अपडेट लेटर हो रहे हैं दोस्तों। तो इसका रिजल्ट पाने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, जब इसका रिजल्ट आ जाएगा सबसे पहले आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बी कॉम फाइव सेमेस्टर आर्या रिजल्ट 2020 यहाँ पे मैंशन करे दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं बी कॉम फाइव सेमेस्टर रिजल्ट 2014, यहाँ पे देख सकते हैं बी कॉम फाइव सेमेस्टर रिजल्ट 2015। तो इसका रिजल्ट भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपडेट लेटर हो रहा है दोस्तों। तो
इसका रिजल्ट भी अपलोड करेंगे। सबसे पहले आप लोग पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बीएससी 5 सेमेस्टर रिजल्ट आरियर रिजल्ट यहाँ पे मेंशन के दोस्तों, बीएससी 5 सेमेस्टर आरियर रिजल्ट के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, और बीएससी 5 सेमेस्टर रिजल्ट 2014 यहाँ पे देख सकते, बीएससी 5 सेमेस्टर रिजल्ट 2015 यहाँ पे देख सकते, बीएससी 5 सेमेस्टर रिजल्ट 2016। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो अपडेट लेटर यहाँ पे दिखाई दे रहे दोस्तों, तो इसका रिजल्ट भी जल्दी से जल्दी आने वाला है। इसके बारे में और आप लोगों का कोई रिजल्ट है दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सेक मोड आरियर रिजल्ट 2020 के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो दिखा दे रहे दोस्तों, क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। क्लिक हेयर पे क्लिक करने के साथ ही साथ आपके सामने नया सा एक पेज में लेके जाएगा जो आप लोगों का गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का आरियर रिजल्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना रिजल्ट सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों, जो भी है अपना सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए जस्ट। तो यहाँ पे आप लोगों का सेक्शन सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोगों का सेक्शन सिलेक्ट कर लेना है, कौन सा ईयर का आप लोगों का रिजल्ट देखना है, ठीक है दोस्तों। फिर से मैं यहाँ पे आपका सेमेस्टर सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। तो आप जो सेमेस्टर है सेमेस्टर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपना कौन सा मतलब कोर्स है दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट करना है, डिप्लोमा डिग्री ग्रेजुएट जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना जो साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अपना जो भी है सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपना यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट भी आ चुका है। तो कोई यहाँ पे आप लोगों का फॉर्म निकल के आ चुका है, कौन सा चाहते हैं अपना रिजल्ट देख सकते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बुरा लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। और आप नया है और अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।